हेलो, वेलकम टू द TSS स्कूल. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट चैप्टर 17, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. सॉरी, प्लांट्स लाइफ. ओके, तो आज हम प्लांट्स के ऊपर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हम लोग अपने चारों तरफ अपने क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखते हैं. तो प्लांट्स ऑल द अराउंड, सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग. तो जिसमें कुछ तो हम लोग कैसे प्लांट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं वीक होते हैं. तो आप जैसे देखते हैं मिंट का है, मिंट है, कोरिएंडर है, ये सब बहुत ही स्मॉल एंड वीक प्लांट्स होते हैं. जिसको इनका लाइफ टाइम कितना है, वंस अ टाइम, केवल एक बार इनका लाइफ टाइम होता है. सेकंड टाइम इसको अगेन से हमें सीड्स के थ्रू इसको उगाया जाता है. ओके, तो इस तरह से ट्रीज वगैरह हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, दीज बिग प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्रीज. तो अभी आप एक बार पिक्चर देखिएगा कि पिक्चर्स में आपको दिखाया है कि हमारे स्मॉल प्लांट्स कैसे होते हैं जो बहुत ही स्मॉल हैं. ये देखिए आप इधर जो स्मॉल है, मिंट का है, इसमें ग्रास है, मिंट है, रोज है एंड तुलसी है. ये इस टाइप के हमारे बहुत ही वीक प्लांट्स हैं ये, और स्मॉल प्लांट. और सेकेंड इधर देखिए आप, ये हमारे देखिएगा इधर, ये हमारे क्रीपर्स वगैरह हैं, जो कि बेले वगैरह जो हम आसपास अपने घरों में देखते हैं या बिजली के खंभे वगैरह पे देखते हो कि कैसे वो अपने आप चलती है. ये देखिएगा आप पिक्चर्स में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. सम प्लांट्स आर द बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड दीज बिग प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्रीज. जो बिग प्लांट्स है उसको हम लोग ट्रीज कहते हैं. दे हैव अ थिक वुडी स्टेम एंड कॉल द ट्रंक. जो उनका थिक वुडी स्टेम है, लकड़ी का जो उसका तना है, ट्रंक है, जो उसको हम ट्रंक कहते हैं, यानी तना उसका बहुत ही भारी भरकम. आपने देखा होगा जो ट्रीज हैं, सैडी ट्रीज वगैरह हैं, उनको भी आप देखते हो कि उनके तने कितने हैवी होते हैं बिल्कुल. और उसके सैडी ट्री बहुत ही अपना ऊपर से बहुत ही फैला हुआ होता है, जो ज़्यादा साइड के काम आता है. एनिमल्स वगैरह हैं जो उसके नीचे बैठना पसंद करते हैं. इसी तरह से हमारे हर्ब्स हैं. हर्ब्स क्या हैं, जो कि बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं. ओके, अ वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड द हर्ब्स, दे हैव अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. अब जो हर्ब्स हैं इनके देखिए कितनी सॉफ्ट जो स्टेम होती है, आप इजीली उस आपके हाथ लगाते ही वो टूट जाती है. तो जिसमें देखिए आप मिंट है, ग्रास है, रोज है, तुलसी है, ये सारे आपके हर्ब्स प्लांट है. ओके, ऐसे सब प्लांट से सॉर्ट ऑफ बुशी प्लांट आर द कॉल्ड द सब्स, दे हैव अ थिन वुडी स्टेम, दीज आर हार्ड. तो जो सब्स प्लांट है उनकी थोड़ी सी हार्ड होती है. जैसे रोज प्लांट है, रोज प्लांट एक सब्स प्लांट है, तो उसमें हल्का सा वो उसका बुशी प्लांट होता है जिसमें आप आसानी से हाथ डाल के उसको नहीं तोड़ पाते, उसमें हल्के से कांटे टाइप से होते हैं. कॉल्ड द सब्स, दे हैव अ वुडी, उनकी लकड़ी का जो तना होता है वो हल्की पतली स्टेम होती है. ओके, चलिए आप देखिए, ये देखिए आप इधर रोज के प्लांट्स हैं जो कि सब प्लांट कहलाते हैं. ओके, अब देखिए क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या है, दे आर द सम प्लांट्स हैव अ बिग स्टेम, दीज प्लांट्स नीड द सपोर्ट टू क्लाइंब, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स. जो क्लाइंबर्स है, यानी आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा, क्लाइंब यानी चढ़ना, जो कि किसी के सहारे पे वो चढ़ते हैं. ठीक है, बिना सहारे वो एक तरह की यानी बेल होती है जो कि हमें उसको सपोर्ट करना पड़ता है, उसके सपोर्ट के माध्यम से वो ऊपर चढ़ती है. ओके, तो आप ये देखिए इधर, मैंने आपको पहले भी पिक्चर में दिखाया गया था कि ये सारे क्लाइंबर्स हैं. जो क्लाइंबर जो हैं किसी के सारे ये ऊपर से लटक रही हैं या ऊपर ऊपर की ओर चलती हैं, अदरवाइज ये डैमेज हो जाती हैं. तो दीज प्लांट नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब एंड दीज प्लांट्स कॉल्ड द क्लाइंबर्स. तो ये इस तरह से हमारे जो सपोर्ट देने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं. इसी तरह से वाटर प्लांट दे ग्रो वाटर आर द कॉल्ड द वाटर प्लांट, जो कि ओनली पानी में उगते हैं. जैसे अभी आपने देखा होगा पिक्चर में लोटस ओनली पानी के अंदर उगता है. तो यानी इस तरह से मनी प्लांट है वो भी पानी में उग सकता है. ऐसे कई सारे वैसे प्लांट्स हैं जो कि हम वाटर के अंदर उगाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे. ओके, कि क्लाइंबर्स कैसे सपोर्ट के बगैर वो चढ़ नहीं पाती है. दे आर सम प्लांट्स हैव दैट अ वीक स्टेम, क्योंकि उनकी स्टेम बहुत वीक होती है. दीज प्लांट्स नीड द सपोर्ट टू क्लाइंब, और उसको सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है. दीज प्लांट्स आर द कॉल्ड द क्लाइंबर्स. तो देखिए अगर आप एक बार कि क्लाइंबर्स के कौन कौन से प्लांट होते हैं. पी है, जैसे पी प्लांट है, वो भी उसको भी सपोर्ट चाहिए होता है, मटर की प्लांट जो है. इस जैसे आपके घरों में मनी प्लांट वगैरह है, मनी प्लांट को भी आपने देखा होगा बिना सपोर्ट के वो नीचे लटकने लगती है और वो उसका ग्रोथ रुक जाता है. इसी तरह से बीन्स है, जो भी आप जैसे वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं बीन्स की,
वो आपको दिखाई देगी कि वो कैसे आपकी मम्मियाँ उसके ऊपर एक तरह से थ्रेड बांध करके उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन की है, वो भी सपोर्ट के थ्रू ही ऊपर चढ़ती है। सम प्लांट हैव अ वेरी वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑल, क्योंकि वो अपना आप खड़ी नहीं हो पाती हैं। दे जस्ट ग्रो एंड द क्रीप ऑन द ग्राउंड, क्योंकि मोस्टली क्या होता है अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो वो नीचे नीचे फैलती आती है और इस तरह से वो उसके पत्ते वगैरह डैमेज होने लगाते हैं, उसमें जो फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह लगता है वो भी खराब होने लगता है। इस वजह से इसको सपोर्ट दे करके हम ऊपर की ओर चलाना चढ़ाते हैं उसको। दीज आर द कॉल्ड द क्रीपर, इसको हम क्रीपर्स कहेंगे। क्रीपर्स लाइव फॉर ओनली वन सीजन, यानी जो जितनी भी बेलें होती हैं इनकी हमारी वेजिटेबल्स वगैरह की, तो उनका लाइफ कितना होता है, ओनली वंस अ टाइम होता है। तो सम ऑफ द कॉमन क्रीपर्स आर पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। तो ये जो हम समर में, समर टाइम में हम लोग जो वाटरमेलन वगैरह खाते हैं और मस्क मेलन वगैरह हैं, तो ये सब एक सीजन के टाइम पे आते हैं, है ना। तो इस तरह से जो इनकी बेलें हैं ये भी एक सपोर्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ती है। और पम्पकिन है, पम्पकिन का भी ठीक इसी तरह से एक क्रीपर है, ये भी पम्पकिन भी एक क्रीपर है जो कि जिसको सहारे की जरूरत होती है और वो कैनोट स्टैंड स्ट्रेट, दिस जस्ट ग्रो ऑन अ क्रीपर ग्राउंड, दिस कॉल द क्रीपर्स, हम इसको क्रीपर्स कहेंगे। ओके, तो एक बार हम इसका एक बार आपको मैं इसको रिवाइज करके दिखाती हूँ कि ट्रीज कौन से हैं जिनके ट्रंक कैसे हैं, वुडी स्टैम वाले। ओके, यानी उनका ट्रंक कैसा, तना कैसा होता है, बहुत ही लकड़ी का तना होता है, बहुत मोटा तना होता है जिसके ऊपर आप आसानी से चढ़ भी सकते हो। ओके, तो जैसे मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, गुलमोर ट्री है, बेनियन ट्री है, तो ये सारे हमारे आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके आप देखिएगा थिकी वुडी स्टैम मिलेगा, तना बहुत मोटा मिलेगा और इसके जो वुडी स्टैम है ये हमारे जो घरों में हमारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं इसके काम में भी आते हैं ये। इस तरह से वाटर प्लांट है, वाटर प्लांट हम अधिकतर देखते हैं आगे, देखिए इधर वाटर प्लांट्स है, जैसे लोटस वगैरह है वाटर प्लांट है जो कि मोस्टली ग्रो कहाँ होता है, पानी के अंदर ग्रो होते हैं। तो वी सी द मैनी डिफरेंट प्लांट्स ऑल अराउंड, हम बहुत सारे प्लांट्स अपने घर के आसपास में देखते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स एंड सॉफ्ट ग्रीन प्लांट्स आर द उनकी स्टेम। हर्ब जो है उसकी बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है और उसकी स्टेम बहुत ही वीक होती है। ओके, एंड सब ज़्यादा बिगर प्लांट हैविंग ए हार्ड स्टेम, जो सबसे जो जैसे रोज प्लांट है और इस तरह से रोज प्लांट है, तुलसी प्लांट है, ये सब प्लांट कहलाते हैं जिनकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है। और ये ज़्यादातर मोस्टली सब प्लांट या बिगर प्लांट है वो हार्ड स्टेम। ट्रीज और टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, और ट्रीज कैसे टॉल होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, तो क्लाइंबर्स नीड अ सपोर्ट टू ग्रो, और जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट ग्रो करने के लिए उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। क्रीपर जस्ट ग्रो ऑन अ क्रीप ऑन द ग्राउंड, अगर उनको हम सपोर्ट नहीं देंगे तो वो नीचे नीचे फैलते चले जाएंगे और उनके फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो उस पर लगता है वो खराब हो जाएगा। तो ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसको रीड करिएगा, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।